वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आया हुआ हूँ राजस्थान खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि मैं 5:30 बजे दर्शन कर चुका हूँ लेकिन अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ दर्शन करने और आपके भी दर्शन कराने के लिए। खाटू श्याम का ये मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में है। मार्केट से होते हुए आप सीधा इस मंदिर पर पहुँच जाएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके राइट साइड पर ही आपको इस मंदिर का एग्जिट गेट दिख जाएगा और इसी का लेफ्ट वाला रास्ता आपको इस मंदिर के एंट्री गेट तक पहुँचाएगा। तो चलिए इसी रास्ते पर आगे चलते हैं। जैसे ही आप मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंचेंगे आपको रेलिंग का ये रास्ता दिखाई देगा जो इन्होंने लिमिटेड प्लेस में ही अराउंड 2 किलोमीटर का बनाया हुआ है। इसका वॉकिंग डिस्टेंस कंप्लीट करके ही आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं और जिन लोगों को किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है उन लोगों को इस रेलिंग के थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने VIP रास्ते का अरेंजमेंट किया गया है। आप किसी भी वॉचमैन को या सिक्योरिटी पर्सन को बोल के VIP रास्ते का यूज़ कर सकते हैं। गाइस मेरे फोन छिन जाने के कारण मैं आप लोगों के दर्शन तो अच्छे से नहीं करा सका बट मेरे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। अभी हम कुंड की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता कुंड की तरफ जाता है। आप जब भी कभी आएंगे आपको यहाँ पे श्याम कुंड लिखा हुआ दिख जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग आगे आगे जा सकते हैं। बच्चा मेरा
यहाँ पे भी वैसे कैमरा अलाउ है नहीं। यहाँ वैसे मैं सुबह आ चुका हूँ, अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ। ये एंट्री गेट के जस्ट बराबर में ही है एग्जिट गेट। वैसे बहुत सारे रास्ते हैं राधा रानी की हवेली की तरफ जाने के, लेकिन एक ये भी रास्ता है, देखिए ये सामने ही सीधा आपको दिख जाएगी, ये राधा रानी की हवेली है। मैंने दर्शन कर लिए हैं, मैंने भैया को बोला फ़ोटो खींचने के लिए, भैया ने मेरा बहुत अच्छा फ़ोटो शूट कर दिया, जिसकी फ़ोटो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगा। अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ, कुछ ख़रीदारी करते हैं, मम्मी ने कुछ मंगाया है वो लेके चलते हैं, और कुछ खाते पीते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक कचौड़ी मुझे भी देना। एक डोनर दे देना भैया। भैया ये लो भैया एक डोनर। अंकल एक प्लेट देना। ये वाली थोड़ी एक्स्ट्रा डालना, ये वाली आप जब भी कभी यहाँ विज़िट करें, यहाँ की चाट खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ की चाट काफ़ी डिलीशियस होती है, काफ़ी सारी वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कड़ी कचौड़ी, कड़ी समोसा, ये गोलगप्पा चाट या पोहा, ये सारी इतने डिलीशियस थे। इवन बहुत सारी और वैरायटीज़ थी, लेकिन मेरी कैपेसिटी इतना सब कुछ खाने की नहीं थी, तो आप यहाँ खुद विज़िट करके ट्राई। अभी पेट भर चुका है, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। भैया बरी का पैकेट होगा आपके पास? हाँ, एक तो ये बेसन का होता है ना, ये गट्टे बेसन का। हाँ ये दे दो, एक कितने का है? 140। और एक इसमें बरी का भी आता है, थोड़ा बड़ा साइज हो गया। बड़ा नहीं रहेगा, बड़ी छोटा ही आता है, मीडियम साइज। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा बड़ा बड़े में लेके आते हैं भाई, तोड़ना पड़ेगा तो बात बराबर है। ये सोफ्ट है और पापड़ों का है, मूंग का, चने का। Thank you.
चाहिए। भैया ये इसमें थोड़ा बड़ा पैकेट नहीं है क्या? हाँ साइज बड़ा। भैया ये सादा वाला ही दो आप मुझे, बिना मसाले का रहने दो। कितना हुआ भैया इसका? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।